आपको बता दें कि राजस्थान के पाली में जब भगवान परशुराम की अमृत भारत यात्रा पहुंची तो पूरा माहौल ही बदल गया। राज्य के ये प्राचीन शहर उत्सव के उल्लास में नजर आए, शहर उत्सव के रंग में रंग गया। यहाँ एक तरफ लोक कलाकारों के करतब थे तो वहीं दूसरी ओर संगीतमय माहौल की गूंज थी। कोच्चीपुरम से चलकर कई राज्यों का सफर तय कर ये यात्रा जब पाली पहुंची तो लोगों ने उमंग और उत्साह के साथ रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। जी हम आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची पंच धातु की प्रतिमा बन रही है। इस प्रतिमा को 11 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। प्रतिमा स्थापना के इसी प्रण और जनवरी में होने वाले भव्य समारोह के लिए यात्रा कई राज्यों से होकर गुजर रही है। इस कड़ी में ये राजस्थान पहुंची जहाँ इसका भव्य और दिव्य स्वागत हुआ। तो पूरे शहर को आप देख रहे हैं कि उत्सव के माहौल में रंगा नजर आ रहा है। सड़कों पर देखिए किस तरह से सांस्कृतिक झलकियां दिखाई जा रही है और पूरा पाली जो है वो इस रंग में परशुराम यात्रा का जो ये भव्य उसके स्वागत की तैयारियां की गई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोक नृत्य किए जा रहे हैं, लोग इस रंग में रंगे नजर आ रहे हैं।